हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम, मैं ना अननोन पर्सन के साथ खेलता हूँ, मतलब ये मैच जो होता है ना, तो ये लोग ना पोचिंग के लेके जाते हैं मेरे को। मैं यार अनफॉलो करके ना सीधा यार घर के अंदर घुस जाता हूँ, तो यार मेरे को फटाफट से ना भाई यहाँ पर सॉरी मिल जाती है और ऊपर जाके मेरे को हेलमेट भी मिल जाता है लेवल 2 का। तो भाई मेरे ना राइट से यहाँ से आवाज़ आती है भाई, ये जो छोटा सा वेयर हाउस होता है ना जहाँ पर डासियाँ बड़ी होती हैं, तो वहाँ से साउंड आता है। तो तुम्हारा भाई फटाफट जाता है भाई सोच के कि भाई बंदे होंगे, और भाई बंदा निकलता है वहाँ पर। तो तुम्हारा भाई फटाफट जाता है, सोचता हूँ यार बगल वाले घर में, बट भाई वो जो बंदा होता है ना यार, वो ना बगल वाले वेयर हाउस में चले जाता है। तो तुम्हारा भाई फटाफट खिड़की से बाहर अरे जाता मत है कोई, अरे और ये बंदा मेरे सामने आ जाता है, और तुम्हारा भाई यार, फटाफट से इसको चटका अरे देता मुझे है। गन, और भाई उसके बाद क्या होता है अरे आगे ना मुझे, यार, एक मतलब बंदा के यार बॉट ही दिखता है, तो मेरे को ये मतलब छिपरा होता है भाई, तो तुम्हारा भाई इसको भी चटका देता है फटाफट से। तो भाई इसको फटाफट से चटकाते हैं, उसके बाद यार तुम्हारे भाई के पास गन्नी होती है यहाँ पर, तो ये इसकी मैं थॉमसन उठा लेता हूँ। तो भाई मैं जा ही रहा हूँ, तो इतने में मेरे को भाई दोबारा से साउंड आ जाती है, मतलब गोली चलाने की साउंड आती है। तो यार बॉट फायर दे रहा होता है, मतलब बंदा होता है बॉट होता है, समझ में नहीं आता। जैसे मतलब पहले तो बॉट फायर देता है, फिर जैसे मैं आता हूँ तो फायरिंग करने लग जाता है, मेरे ख्याल से बॉट ही होगा यार। तो इसको फटाफट से चटका देते हैं दोबारा, और फिर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ भाई यहाँ पर। तो भाई अब तुम्हारे भाई ने जिसको सबसे पहले नॉक किया था ना, जिस बॉट को यार, उसका मतलब मेरे को किल ही नहीं आता यार। मतलब मेरे ख्याल से यार किसी बंदे ने किल चुरा लिया यार तुम्हारे भाई का। तो यार उसके बाद क्या होता है, मैं घर के अंदर जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ जैसे, तो यार मेरे को ना पैरों के मार्क आते हैं, मतलब आसपास तो साउंड भी आ रही होती है हल्की हल्की। तो यार मैं सर्च मारता हूँ कोई बंदा है तो नहीं, बट यार मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता। फिर मैं दोबारा से इस घर के पीछे से घूम के जाता हूँ, तो इतने में मेरे को भाई एक बंदा बैंडेज लगाते हुए दिख जाता है। तो इतने में मैं इसको पेल देता हूँ थॉमसन से फटाफट। भाई अच्छी बात ये होती है कि ना यार ये मेरे को स्कारल दे जाता है, तो तुम्हारा भाई शॉटगन छोड़ता है फटाफट से और भाई स्कारल उठा लेता हूँ, और भाई ये मैं 3 मंजिला जो घर है इसमें चले जाता हूँ। तो यार इतने में ना जो 2 नंबर है ना हमारा भाई, वो भी मतलब बंदे चटका रहा होता है भाई वो भी स्टार्टिंग से ही चटका रहा होता है बंदे। तो भाई उसके बाद नीचे पैरों की आवाज़ आती है कुछ, मेरे को साउंड सा आता है, मतलब कि जैसे मतलब 3 नंबर पे गोली चली, और भाई 3 नंबर इतने में नॉक हो जाता है। तुम्हारा भाई जाता है भाग के यार कि भाई 3 नंबर को किसी तरह बचाया जाए। यार मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन ये यार अंदर ही नहीं आता यार बंदा, क्योंकि मेरे को भाई पता नहीं था बंदे कहाँ पर है। तो इतने में यार बंदा ना चटका जाता है उसको, तो तुम्हारा भाई फटाफट से इस बंदे को भी चटका देता है यहाँ पर। यार यहाँ पर ना आई थिंक मैंने गलती कर दी यार, मैं ना इस 3 नंबर को बचा सकता था यार, बट मेरे को यार मतलब कि ओपन में था ये, और भाई बंदे भी नहीं पता थे यार कितने हैं, तो इस वजह से यार मैं बचा नहीं पाया। तो फिर फटाफट मैं इसकी M762 उठाता हूँ और सर पे ले आता हूँ, तो इतने में यार 2 नंबर ना नॉक कर देता है एक बंदे को। फिर तुम्हारा भाई फटाफट नीचे जाता है और उस बंदे को किल कर देता है। और यार अब मैं ना सोचता हूँ यार उसके पास कुछ तो मिलेगा, तो उस बंदे के पास ना M416 मिल जाती है, तो मैं इस कल छोड़ के M416 ले लेता हूँ। तो इतने में यार आसपास से ना साउंड आने लगती है यार किसी बंदे की मतलब। तो फिर उसके बाद यार मैं वॉल के पीछे ले जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार अब बंदा स्पॉट तो हो नहीं रहा, तो वॉल के पीछे ले जाए, लेकिन मेरे ऊपर भाई बॉम्ब आके फटता है भाई वॉल के पीछे, और भाई तुम्हारे भाई की हेल्थ मतलब आधी हो जाती है यार। फिर मैं फटाफट यार इस घर में जाता हूँ और फटाफट से बैंडेज करता हूँ। अब यार वो बंदा मतलब दिख तो रहा नहीं था, तो यार इतने में ना यार तुम्हारा भाई फटाफट हेल्थ लगाता है यहाँ पर, तो यार अब बंदे की साउंड आती है बगल से ही। तो यार वो बंदा ना मतलब मेरे घर में आता है, तो मैं फटाफट यहाँ से जंप मारता हूँ नीचे, और मैं सोचता हूँ कि नीचे से जाके इस बंदे को ऊपर चटकाता हूँ, और मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। लेकिन भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर मतलब मरते मरते बचता है यार, मतलब मेरा मतलब यार मेरी गन ना रिलोडिंग पे चले आती है, और ये बंदा लगातार गोली चलाते रहता है, बट फिर भी मैं किसी तरह इसको मार देता हूँ भाई यहाँ पर, और फटाफट इसको लूट लेता हूँ। तो भाई 4 नंबर ना थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चले जाता है, तो इतने में ना उसको कोई बंदा मार रहा होता है, तो तुम्हारा भाई फटाफट से उसको चटका देता है यहाँ पर। तो फिर उसकी फटाफट लूट लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। इतने में यार जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, तो यार पोचिंग की में ना दोबारा गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं भाई फटाफट से भाग के वहाँ पर जाता हूँ। तो जो 2 नंबर था ना वो यार M24 से वनडे चटका रहा होता है यार यहाँ पर भाई, ये बंदा गजब था यार 2 नंबर, सही खेला। लेकिन लास्ट में यार देखना क्या सीन होता है उनके साथ भाई लोगों, अब ना हमारे साथ ना यार यहाँ पर ना बहुत ही गलत सीन होने वाला होता है यार, लेकिन हम किसी तरह बच जाते हैं भाई। मतलब ऊपर यार 4 बंदे होते हैं भाई, 4 बंदे, और मतलब यार हम फटाफट जाते हैं ऊपर सोचते कि एक दो बंदों में फेल नहीं है, लेकिन 4 बंदे निकलते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई किसी तरह 3 बंदों को नॉक कर देता है यहाँ पर यार, उसके बाद फिर 3 बंदों का किला जाता है मेरे पास। भाई अब मतलब ये ऐसे थे ना यहाँ पर यार, अपने को ना आराम से चलेगा सकते थे, लेकिन बस ये नहीं किया। फिर उसके बाद यार तुम्हारा भाई एक और किल कर देता है यहाँ पर, ये मतलब बॉट ही होता है यार एक तरीके से। फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं यार पोचिंग के पीछे की साइड, नीचे घर होते हैं ना यार वहाँ की साइड कहना निकल चाहिए जाते हैं, लेकिन लूडो हमको होता कुछ है ना ज़्यादा सर। लूट नहीं मिलती यहाँ पर। तो फिर उसके बाद भाई हम रोजोक निकल जाते हैं, रोजोक में सोचते हैं बंदे होंगे, लेकिन कोई भी नहीं होता भाई रोजोक में भी। फिर भाई हम मैं घूमते हैं क्या इधर ना, उधर घूमते हैं, तो अब सोचते हैं यार चलो हम ड्रॉप पे जाते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ये ड्रॉप पे भाई। तो अब हमको मतलब ड्रॉप दिख जाता है, तो हम भाई ड्रॉप की तरफ जा रहे होते हैं यहाँ से। तो भाई उसके बाद ड्रॉप पे मतलब बाइक से 2 बंदे आते हैं, एक बंदे को तो 2 नंबर जो है सीधा गाड़ी चला के नॉक कर देता है, और जो दूसरा बंदा होता है उसको हमारा जो 4 नंबर है वो पेल देता है।
यहाँ पर यार तुम्हारे भाई ने ना M249 उठा के ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, आप देखिएगा आगे। तो उसके बाद यार हम ना मतलब 2 नंबर का ना नेट सही से चलता नहीं है, तो मैं उसको गाड़ी में उठा के ना ले जा रहा होता हूँ। तो इतने में हमारे पीछे से ना गोलियाँ चढ़नी स्टार्ट हो जाती है भाई। मैं किसी तरह भाई बचा तो लेता हूँ उनके नीचे, लेकिन वो बंदे ना अपने पे रस कर देते हैं यार। और फिर देखो भाई यहाँ पर ना बहुत ही गंदा सीन हो जाता है अपने साथ यार, देखना तुम लोग। यहाँ पर मैं मैं सेफ दिख तो ले नहीं आता हूँ पाया। इनको, बट यार फिर क्या होता है यार, मैं ना पीछे पेड़ के पास छुप जाता हूँ। मैं इनको भी बोलता हूँ भाई पीछे का आ जाओ पेड़ के पास, लेकिन यार जो हमारा 2 नंबर होता है उसका नेट पता नहीं चल नहीं रहा होता सही से, तो यार वो ना नॉक हो जाता है भाई, बंदे ना इसको नॉक कर देते हैं। लेकिन मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ यहाँ पर, तो मैं स्पॉट करता हूँ बंदे कहाँ पर, तो मेरे को बंदा दिख भी जाता है। तो तुम्हारा भाई फटाफट से उसको नॉक कर देता है भाई यहाँ पर, और उसको मतलब मैं किल भी कर देता हूँ यहाँ पर नॉक करने के बाद। तो 2 नंबर अपने पास आता है, फिर हम 2 नंबर को बचा लेते हैं यहाँ पर। बट यार अभी ये नॉक हुआ था, इसके मतलब बाकी बंदे भी जिंदा थे यार यहाँ पर। और भाई सीन यही होता है, जैसे मैं मतलब 2 नंबर को बचा लेता हूँ ना भाई यहाँ पर, भाई बहुत ही गंदा सीन होता है यार भाई, अरे मतलब दो मरते नंबर मरते को बचते यार यहाँ पर। मैं पहले अच्छा काम ये करता हूँ, स्मोक कर देता हूँ यार यहाँ पर, इतने पीछे से जोन भी आ जाता है। तो 2 नंबर को बचा तो लेता हूँ मैं, लेकिन भाई अगर स्मोक नहीं किया होता ना मैंने यहाँ पर, तो भाई मतलब हमारी पेटी बिक जल्दी आना जानी थी भाई यहाँ राइट पर। साइड पे तो अब बैठे हैं, इसको बचाते राइट हैं, साइड और पे भाई बैठे हैं। गलती क्या कहता है, 2 नंबर यार अरे ये कोई मौली नहीं, फेंक अच्छी रहा बात होता है। है, ये मतलब हमारे ऊपर ही फेंक देता है लोग मौली। यार मैं तो भाग निकल लेता हूँ भाई यहाँ से, बच जाता हूँ मैं किसी तरह इसकी मौली से। तो भाई इतने में क्या होता है यार, मतलब कि यार वहाँ से बम आता है और ये बंदे दोनों यार ये नॉक हो जाते हैं दोनों बंदे यार अपनी अपनी मतलब मौली से, बम से तो नहीं होते लेकिन मौली से होते हैं। फिर यार ऊपर से ना बंदा मेरे ऊपर गोली चला रहा होता है, लेकिन मैं किसी तरह यहाँ पर बच जाता हूँ भाई। मैं फटाफट से पेड़ के पीछे जाता हूँ यार, बाकी बंदा यार स्पॉट कर लूँ मैं। ये डर तो रहता है यार पर कि ऊपर से दोबारा बॉम्ब फेंक देगा, तो मैं फटाफट से हेल्थ किट लगाता हूँ अपने पे, और भाई मैं देखता हूँ कि बंदा कहाँ पर है, उड़ा बंदा उड़ा स्पॉट उड़ा हो जाए ताकि मैं उसको चटका। और यार वो मुझे दिख जाता है, और मैं फटाफट यार बिना सोचे समझे गोली मार देता हूँ उस पर यार, वो बंदे को नॉक कर देता हूँ मैं। फिर यार मैं अच्छा इन अच्छा दोनों भाई को बचा अच्छा लेता हूँ यार, ये बंदे मतलब कि यार सरदर्दी कर देते हैं मेरा, इतनी बार नॉक होते हैं तो मैं बचा लेता हूँ। उसके बाद मैं स्मोक कर देता हूँ यार, मेरे पास एक लास्ट स्मोक होता है, क्योंकि आगे से ना उसके बाकी साथी आ रहे होते हैं। तो फिर भाई वो रिवाइव दे रहा होता है, इतने में मैं पेल देता हूँ उसको। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। भाई सीन ये होता है ना कि ये पेड़ के पीछे ना ये चार नंबर ना नॉक हो जाता है, बट यार मैं बचा लेता इसको अगर ये वहीं पर रहता। फिर मैं घर के अंदर आता हूँ यार, अब घर के अंदर कोई दिख नहीं रहा था यहाँ पर, लेकिन पैरों की मार आ रहे थे मेरे को। तो फिर भाई मैं जाता हूँ, और ये बंदा पता है कहाँ पर छुपा होता है यार, ये मतलब कि राइट साइड वाले डायरेक्शन में देख रहा होता है भाई, और मेरे को मतलब ये बंदा दिखता ही नहीं है भाई, गिल्ली सूट पहन के खड़ा होता है यहाँ पर यार। मैं इसको फटाफट से पिटकारता हूँ। अब ये तो नॉक हो गया था यार, अब इसका मतलब कि 2 बंदों की मतलब साउंड आने लगती है यार अगल बगल से, और जोन भी अपने पे बनता है। और जो भाई इसका दूसरा बंदा होता है ना यार, MK14 लेके घूमता है यार भाई, मतलब लेकिन सिंगल में लगी होती है भाई। हम लोग बच जाते हैं, मैं इसको पेल देता हूँ भाई, इस तरह नॉक मार देता हूँ, और हम फटाफट से इसकी कर देते हैं। बट यार यहाँ पर सीन बहुत ही गंदा होता है अपन के साथ यार, मतलब मैं ऊपर जाता हूँ यार, बंदा स्पॉट तो हो जाता है मेरे को, मैं उस पर मतलब कि फायरिंग नहीं करता हूँ भाई। बट यार M249 यार अब से मतलब सोच लिया यार मैंने चलाऊंगा नहीं, और ये 2 नंबर भी इतना गधा होता है यार, ये खुले में चले जाते हैं, मैं मना भी करता हूँ इसको, और भाई यहाँ पर अपन लोग मर जाते हैं यार। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।